हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। डैट मीन्स एक ऐसा सॉल्ट जिसको वाटर में अगर आप ऐड करोगे तो उसका कुछ ही पार्ट डिसॉल्व होता हो। तो इसलिए हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी एस को डिफाइन करेंगे। डैट इज नथिंग बट मोलारिटी, राइट। दोनों एक ही बात है। और सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कितना मोल्स डिसॉल्व हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व बाय कितने वॉल्यूम में, राइट। इसलिए उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। सॉल्युबिलिटी अगर पूछा जा रहा है डैट मीन्स वो मोलारिटी है, डैट मीन्स वो कंसंट्रेशन है। बट अगर वो बोल रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो डैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डैट इज के एस पी। तो इसलिए पॉइंट नंबर वन ये है कि के इक्विलिब्रियम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको यहाँ पे के एस पी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, के एस पी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ओनली, डैट मीन्स जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी के एस पी की वैल्यू चेंज होगी। बाकी कुछ और चेंज कर लो तो ये चेंज नहीं होगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ए जी सी एल, अगर ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा और वो ऑलवेज लेस देन वन होगा। जैसे यहाँ पे 4×10⁻⁸ है। तो अब अगर मैं ए जी प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, सी एल माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, वाटर ऐड कर दूं, जो भी करना है कर लो, बट टेम्परेचर अगर मैंने चेंज नहीं किया तो अभी भी इन दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ये एक फिक्स नंबर 4×10⁻⁸ ही आएगा। डैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन जरूर चेंज होगा, इसका चेंज होगा, लेकिन ये इस तरीके से चेंज होंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये एक फिक्स नंबर है। तो इसलिए इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है कि के एस पी डैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो तभी चेंज होगा जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। और जनरली इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हम टेम्परेचर चेंज ही नहीं करते हैं। इसलिए एक बार क्वेश्चन में के एस पी की जो वैल्यू दे दी गई वो फिक्स हो गई। चेंज क्या होंगे, इसके इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, शो डैट कि इनका प्रोडक्ट फिर से उसी के बराबर आ जाए। क्लियर है पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स का पॉइंट वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन दो फेज में आपसे पूछा जा सकता है। एक वो फेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्ट डिसॉल्व है, और यहाँ पे डेफिनेटली वो सॉल्ट कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। वो कैसे पता लगेगा, उसका के एस पी आपको गिवन होगा या पूछा जाएगा, राइट। तो अगर एक ही सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो उसके लिए रफी सर का ट्रिक है कि सॉल्ट को इस फॉर्म में वो दिखा सकता है ए एक्स बी वाई। इन जनरल हमने लिया क्योंकि कैटायन के कुछ नंबर होंगे, एनायन के कुछ नंबर होंगे। तो इस सॉल्ट का के एस पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक से लिखेंगे। यहाँ पे जो नंबर होगा x, उस पर पावर x, जो नंबर होगा उस पर वाई पावर कर देना है। यहाँ पे y है तो y पे पावर y। और अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर s है तो s पे पावर x प्लस y, इन दोनों को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए जी सी एल, तो यहाँ पे 1 है, ए जी एक कैटायन, सी एल एक एनायन, तो 1:1 रेशो में ब्रेक हो रहा है। तो के एस पी क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 और s की पावर 1+1 2, डैट इज s स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सॉल्ट इज s स्क्वायर। वेयर व्हाट इज s, s इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, राइट। डैट मीन्स इसका कितना मोल्स डिसॉल्व है पर यूनिट वॉल्यूम में। क्लियर है पॉइंट। सिमिलरली 2 MgSO4, तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, MgS का अलग O4 ऐसा ले लेते हैं। ऐसा नहीं बेटा, आपको देखना है कि वो कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है। तो एक Mg+2 आयंस होगा और एक सल्फेट आयन होंगे, राइट। तो यहाँ पे भी 1:1 रेशियो में, इसलिए KSP अभी भी क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, राइट। इसलिए यहाँ पे ये लिखने का मतलब कि इसके कितने कैटायन मिल रहा है और एनायन कितने मिल रहे हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल जैसे A2B3 ऐसा कोई आ गया, राइट। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर 2, 3 है तो 3 का पावर 3, और s का पावर दोनों को जोड़ दो तो 5। तो ये 108 s की पावर 5 हो जाएगा। वेयर व्हाट इज s, s इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल AlCl3, तो एल्युमिनियम 1 है और क्लोरीन 3 आयंस मिलेंगे, राइट। तो अगर इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी S है तो इस बात का ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम का भी सॉल्युबिलिटी S ही होगा। क्यों, क्योंकि 1:1 रेशियो मिल रहा है, बट Cl का 3S हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ पे भी फंसा लिया जाता है। हम जो भी S लिए हैं वो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट का है, आयंस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी के बराबर हो सकता है अगर 1:1 रेशियो है, अदरवाइज स्टॉइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर S है तो क्लोराइड आयन का 3S मोल मिलेगा आपको, राइट। इसलिए S और यहाँ पे 3S, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 1 की पावर 1 हो जाएगा,
3 के पावर 3 तो 27 और s की पावर 1 और प्लस 3 तो 4, तो ये लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ तो उसको एक एग्जांपल समझाया कि KSP कैसे डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एयर प्लस 3 डेट इज s और पावर 1 स्टॉइकोमेट्री पावर में चला जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डेट इज 3s और स्टॉइकोमेट्री 3, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा था 1 की पावर 1, यहाँ से 3 का पावर 3, राइट, और s का पावर 3 प्लस 1 4, डेट इज 27 s की पावर 4। तो यहाँ का पॉइंट वेरी सिंपल है, जो भी सॉल्ट आपको गिवन है उसके कटायन और एनायन में ब्रेक कर लें, जितना कटायन का नंबर होगा उतने नंबर पे वही नंबर पावर कर देना है, राइट। जितना एनायन का नंबर होगा उतने नंबर पे वही पावर नंबर में कर देना है और एस की पावर में कटायन और एनायन के नंबर को जोड़ देना है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक Al2SO4 होल थ्राइस, अगर ऐसे लिखो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको दो एल्युमिनियम के आयंस मिलेंगे और 3 सल्फेट के आयंस मिलेंगे। तो अगर मुझे इस सॉल्ट का KSP लिखना होगा तो डायरेक्ट मैं क्या लिखता, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, एस का पावर 5, वेयर एस इज सॉलिबिलिटी ऑफ दिस होल सॉल्ट, राइट। बट सॉलिबिलिटी ऑफ Al प्लस 3 पूछा जाता है तो Al प्लस 3 का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, 2s, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल्स मिलेगा, और सल्फेट आयन का पूछा जाता अगर मुझे तो 3s हो जाता। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, तो ये वाला पार्ट बहुत ईजी है, राइट। सेकेंड पॉइंट डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरा केस कैसा हो सकता है कि एक वीक सॉल्ट डिजोल्व किया गया वाटर में, कैसे पता लगेगा, KSP गिवन होगा, और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजॉल्व किया गया वाटर में, कैसे पता लगेगा, इसका KSP नहीं गिवन होगा। तो जब अगर वाटर में एक वीक सॉल्ट और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजॉल्व कर देंगे तो ऐसे केस में आपको कैसे निकालना, तो वेरी सिंपल, अगर ये वीक सॉल्ट है तो डबल एरो से आपको दिखाना है और Ag प्लस Cl माइनस हो जाएगा, राइट। अगर इसकी सॉलिडिटी S है तो 1:1 रेशियो है, तो ये S और ये S हो जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, सपोज कर लो NaCl आपने डिजोल्व किया, तो इसको सिंगल एरो से दिखाएंगे और ये Na प्लस होगा और Cl माइनस। अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये पूरा 100% डिजोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, अगर उसने मेंशन किया कि इतना ही परसेंट डिजोल्व हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे, राइट। तो इससे इसका कंसंट्रेशन अगर C है तो ये C मिल जाएगा और ये C। क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि जो कॉमन आयन होंगे, जैसे देखो इसमें भी Cl- मिल रहा है और इससे भी Cl-, जो कॉमन आयन होंगे तो उसका कंसंट्रेशन वही पुट कर देना जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से मिलेगा। अगर मैं इस वाले वीक सॉल्ट का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं KSP तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, राइट। बट यहाँ पे Cl- का कंसंट्रेशन आपको कौन सा पुट करना है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से मिल रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट C पुट कर दिया। Ag+ का भी नहीं मालूम है और इसका KSP आपको गिवन होगा, अभी बताया आपको, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो ये अभी भी वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था, राइट। ये तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए Z मान लेते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, दैट इज नथिंग बट जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आएगा वो पुट कर देना, तो यहाँ से जो अननोन होंगे वो आ जाएंगे। तो इसलिए ट्रिक का यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कॉमन आयन को पहचानना, ऐसे केस में जब एक वीक सॉल्ट और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजोल्व हो तो कॉमन आयन को पहचान लो, वो इजी है, उसका कंसंट्रेशन वही पुट कर देना जो स्ट्रॉन्ग से आपको मिलेगा, राइट। तो यहां से आपका अननोन पार्ट आ जाएगा। ध्यान रहे कि ऐसा करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अभी भी वही रहेगी। तो अब मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा, ट्रिक नंबर टू, कि कभी भी आपको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अगर KSP गिवन हो और उसके आयंस का कंसंट्रेशन गिवन हो तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है या फिर अभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में आएगी। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल आपको कंसेप्ट लगाना है कि दोनों आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे बाय द वे 1:1 रेशियो में ब्रेक हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं KIP निकालूं, आयनिक प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 4×10⁻¹, डैट इज एक्चुअली इक्वल टू KSP। डैट मीन्स यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, डैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर इस केस में निकालूं KIP तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4×10⁻¹, जो कि अगर ध्यान से देखो तो ग्रेटर हो गया KSP से, दिस इज ग्रेटर देन KSP। KSP से ज़्यादा होने का मतलब अब रिएक्शन को बैक माना पड़ेगा। ध्यान रहे, ऑलवेज KSP इज द आइडियल पर्सन, ऑलवेज उसको फॉलो करना है। रिएक्शन अगर पीछे रह गई है तो आगे जाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, आगे चली गई है तो पीछे आना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसको एक सिंपल
एग्जांपल से समझे, सपोज करो आपका डेस्टिनेशन ये है, तो अगर आप इधर से आ रहे हो तो अभी आपको आगे जाना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर आप आगे निकल गए तो आपको पीछे आना है। तो वैसा ही केस है, KSP इज द मेन पॉइंट, एक डेस्टिनेशन पॉइंट है तो यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इससे छोटी हो रही है तो आगे जाना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, बड़ी हो गई जो इस केस में हो रहा है तो पीछे आना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैक आएंगी, बैकवर्ड में आएंगी, डैट मीन्स प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं KIP निकालूंगा तो कितना जाएगा, 4 और ये 4, तो 16 और 10 की पावर -10, डैट इज लेस देन KSP। यहाँ पे KSP आपका ज़्यादा हो गया, तो अभी रिएक्शन और भी फॉरवर्ड में जाएगी, डैट मीन्स मोर सॉल्ट डिजोल्व होंगे, तो अभी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड में जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आप आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो और उसको KSP से कंपेयर कर लो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है फाइनल पॉइंट कि अगर KSP और KIP इक्वल हो जाता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, KIP अगर ग्रेटर है तो बैक में आएगी, प्रिसिपिटेट बनेगा, KIP छोटा है तो फॉरवर्ड जाएगी, मोर सॉल्ट डिजोल्व होंगे। तो इसलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो वेरी सिंपल, जहाँ पे भी बोल दे कि जस्ट प्रिसिपिटेट हो रहा है ऐसा कंडीशन, तो आपको KIP और KSP को बराबर कर देना है, वहाँ से आपको अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और एक पॉइंट का और ध्यान रखेंगे, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो KIP है डैट इज़ नथिंग बट एक्चुअली में क्या है, Q रिएक्शन कोशेंट, और ये KSP क्या है, डैट इज़ K इक्विलिब्रियम, तो वही पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे KSP ऑफ बैरियम सल्फेट आपको गिवन है 10^-10, सॉलिबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट पूछा जा रहा है इन 0.1 मोलर K2SO4। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका KSP दिया है डैट मीन्स ये वीक सॉल्ट है, और पोटेशियम सल्फेट का KSP नहीं गिवन है डैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। तो वी नो वीक सॉल्ट को कैसे आप ब्रेक करेंगे, बैरियम सल्फेट है राइट, तो बैरियम सल्फेट 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो बैरियम +2 सल्फेट -, राइट। अब इसमें कुछ भी ऐड कर लो, इसका KSP एक बार दे दिया है 10^-10, तो वही रहने वाला है। कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम +2, जिसको नहीं मालूम है हमें, मान लेते हैं कि अगर इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी S है तो ये S मिलेगा, तो ये S हो जाएगा, और आपको बताया था कॉमन आयन हो गया ये, क्योंकि K2SO4 कैसे ब्रेक होगा, 2K प्लस में SO4 -2 में, इसका 0.1 मोलर आपने लिया है तो ये आपको 0.2 मिलने वाला है, 1 मोल से 2 मोल्स, और ये 0.1 मिलने वाला है। आपको बताया था जो कॉमन आयन होंगे उसका कंसंट्रेशन वही पुट कर देना जो स्ट्रॉन्ग से, तो इसलिए यहाँ पे S नहीं पुट करना आपको, यहाँ पे 0.1 कर देना है। तो यहाँ से S कितना आ गया, 10^-9, ये हो गया मोल्स पर लीटर में। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, हमसे किसने पूछा है, ग्राम पर लीटर में, तो एक मोल का मास मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, तो मॉलिकुलर वेट इसका कितना होता है, 233, तो 233 × 10^-9 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पे हमारा एक्स कितना हो जाएगा, 233। तो वेरी सिंपल, इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन सॉलिबिलिटी, एस मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज गिवन, अगेन क्वेश्चन पे ध्यान रखना है ग्राम पर लीटर है राइट, और माइनस ऑफ लॉग KSP, डैट मीन्स सॉलिबिलिटी देकर के KSP पूछा है, बट सॉलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में, सॉलिबिलिटी ऑलवेज मोल्स पर लीटर में होता है, तो मैं निकाल सकता हूँ मोल्स में AgCl के मॉलिकुलर वेट, डैट इज 143 से डिवाइड करके, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे S, डायरेक्ट 10^-5, इसलिए KSP क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रखा हूँ, 1^1, 1^1, तो 1 ही हो गया, और S^2, तो S², तो ये 10^-5 का स्क्वायर हो जाएगा, डैट इज 10^-10, माइनस ऑफ लॉग KSP, लॉग लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो वेरी सिंपल, कैसे, माइनस ऑफ लॉग KSP की वैल्यू 10^-10, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लॉग 10 1 होता है। तो इट्स वेरी सिंपल इस टाइप से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको S दे करके KSP पूछ लिया, कभी ऐसा हो सकता है कि KSP दे करके S पूछ ले राइट। आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, जस्ट मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार इसी कंसेप्ट को रिपीट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में KSP आपको गिवन था सॉलिबिलिटी, देखो उल्टा कर दिया, KSP गिवन है और सॉलिडिटी पूछा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख लूँगा, जो KSP मुझे गिवन है वो 108 × 10^-75 लिख लूँगा, और इसका KSP आपको ट्रिक से बता रखा हूँ कैसे लिखेंगे, 2^2, 3^3, S का पावर कितना हो जाएगा, 5,
तो ये कितना हो जाएगा 108 एस की पावर 5। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 108 इंटू 10 की पावर माइनस 75। इसलिए 108 से 108 कैंसिल, तो एस की पावर 5 है तो 5 से 15, तो यहाँ पे एस सॉल्युबिलिटी कितना हो गया 10 की पावर माइनस 15। ध्यान दे कि आपसे सॉल्युबिलिटी ऑफ Bi2S3 पूछा गया, इसलिए ऑप्शन है। अगर सॉल्युबिलिटी वैल्यू ऑफ Bi का पूछा जाता तो वो हो जाता 2S, इसलिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 बताते हैं। अगर सिर्फ S सल्फाइड का पूछा जाता तो वो हो जाता 3S। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है Bi2S3 कैसे ब्रेक होगा, 2Bi में और 3S-2 में, राइट। तो इसलिए इसका अगर सॉल्युबिलिटी S होगा तो इसका 2S और इसका 3S। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, पूछा किसका, यहाँ पे सॉल्ट का डायरेक्ट पूछा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 10 की पावर माइनस 15। अगर Bi+3 का पूछता तो 2S, दैट मीन्स 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होता। और अगर सल्फाइड आयन का पूछता तो 3S, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होता है। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। क्वेश्चन नंबर 4 में KSP आपको अगेन जिंक हाइड्रोक्साइड का गिवन है, सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर NaOH। तो ये वही वाला पॉइंट हो गया कि आपका एक वीक सॉल्ट डिजोल्व है और एक और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजोल्व क्या है। तो अभी आपको बताया पहले वीक का कैसे लिख लेंगे आप, कैसे ब्रेक होगा ये Zn+2 2OH- में। और आपका ये NaOH तो आपको मालूम ही है डायरेक्ट सिंगल एरो से Na+ और OH-। तो यहाँ पे NaOH का कितना है 0.1, तो इससे ये भी 0.1 मिल जाएगा, ये 0.1, तो OH- का कंसंट्रेशन आपको मिल चुका है, डेट इज 0.1। तो KSP चेंज नहीं होगा, अभी आपको बताया टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, तो ये यही रहेगा 2 × 10⁻²⁰ = 20। यहाँ से लिखेंगे तो इसका सॉल्युबिलिटी अगर मैं S मानूँ तो Zn+2 का सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा S इंटू, यहाँ पे OH- का कंसंट्रेशन पुट करेंगे वो कितना हो गया 0.1। और ये स्टाइकोमेट्री का ध्यान रखना है, वीक वाले सॉल्ट का हमें सब कुछ देखना है, तो स्टाइकोमेट्री 2 है तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, राइट। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 2 × 10⁻¹⁸। तो वही आपको पूछा है कि x × 10⁻¹⁸ है तो x बताओ, तो यहाँ से x कितना आ गया 2, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी पूछा है किसका, जिंक हाइड्रोक्साइड का। तो इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में A2X का KSP आपको गिवन था 4 × 10⁻¹² और MX का भी KSP 4 × 10⁻¹² है, दोनों का सेम है, तो रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी बताना है A2X/MX। तो वेरी सिंपल है, वही रफी सर का ट्रिक लगाओ, A2X का अगर आपको KSP लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2^2, 1^1, S^3, डेट इज इक्वल टू 4 × 10⁻¹². तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से S कितना जाएगा 10^-4, राइट। दूसरा इसका निकाल लो MX का, तो MX का आप कैसे निकालेंगे KSP, वेरी सिंपल, 1^1, 1^1, S^2, S^2, डेट इज इक्वल टू कितना 4 × 10⁻¹², तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁶। इनका रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी आपने A2X का निकाला 10^-4/2 × 10⁻¹⁶, तो ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, बात वही रहेगी। यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, KSP दे करके S पूछा एक तरीके से, राइट। ऐसे प्रॉब्लम हम बहुत सारे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से भी दे सकता है कि ये है तो इसका S और KSP में क्या रिलेशन होगा, तो वेरी सिंपल, आपको डायरेक्ट KSP लिखना बताया, कैसे लिखोगे इसका KSP बोलो, ये 3 हो गया तो 3^3, ये 4 है तो 4^4 और S^7, तो S क्या हो जाएगा, ये नीचे में डिवाइड हो जाएंगे और होल पे पावर 1/7 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट पावर 7 है, रॉन्ग हो गया, होल पे पावर 1/7 तो आया लेकिन 144 नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहीं से देखो 4^4 है, यही आपका 144 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेट करना है, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे KSP पे पावर 1/7 नहीं है, सिर्फ 6912 पे है, तो इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको सॉल्ट का KSP गिवन है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो कुछ बच्चे यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि ये सबसे कम है तो कम सॉल्युबल होगा, बेटा ये KSP है, पहले इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, AgCl का डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, S^2, डैट इज 10^-16, तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 10^-8।
राइट। सिमिलरली MgCl2 का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आपको बता रखा हूँ, Mg1 ये 2 की पावर 2, तो 4 × s³ = 4 × 10⁻¹⁵, तो यहाँ से s कितना आ जाएगा, 10⁵। Bi2S3 का लिखना हो तो Bi2S3 में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 3 की पावर 3 s³⁵। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 108 × 10⁻³⁰। तो ये 108 कैंसिल हो जाएंगे, तो s कितना आ जाएगा यहाँ से, 10⁻⁶। तो यहाँ सॉलिबिलिटी से अब आपको चेक करना है। अब यू नो पावर माइनस में जितना कम होगा वैल्यू उतना ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है, 10⁻⁵, डैट इज MgCl2 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, फिर 10⁻⁶ डैट इज Bi2S3, देन फिर आपका AgCl। डायरेक्ट यहाँ से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में AgCl का KSP गिवन है 10⁻⁶, MgCl2 का KSP गिवन है 4 × 10⁻⁵। आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 0.01 मोलर NaCl में। दैट मींस वीक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को डिसॉल्व किया गया, कैसे, क्योंकि इसका KSP नहीं गिवन है। तो कैसे करना, वेरी सिंपल, आपको बता रखा हूँ, जिसका KSP दे दे उसको डबल एरो से ब्रेक कर दो, Ag+Cl-, और जिसका KSP नहीं दे उसको सिंगल एरो से ब्रेक कर दो, Na+Cl-। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो इसका 10⁻², लिया है तो यहाँ से Cl- भी आपको 10⁻², और Na+ भी 10⁻², मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से अगर इसकी सॉल्युबिलिटी अगर मैं S मानता हूँ तो ये S होगा, और Cl- डायरेक्ट आपको बोला हूँ क्या पुट कर देना है, 10⁻²। S क्यों नहीं, क्योंकि 10⁻², वेरी वेरी ग्रेटर देन S होगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया। तो ये, और चूंकि हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है तो अभी भी KSP वही रहेगा, तो KSP कितना है, 10⁻⁶, डैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ डैट इज S, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl- डैट इज 10⁻²। तो यहाँ से सॉलिडिटी कितना हो गया, 10⁻⁴। जो Ag+ का सॉलिडिटी वैल्यू होगा वही इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि 1:1 है, राइट। तो यहाँ से आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई 10⁻⁴। वैसे ही सेम काम इसमें करो तो MgCl2 कैसे ब्रेक होगा, Mg+2, ध्यान रहे यहाँ पे 2Cl-, राइट। अगेन इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आप S मानते हो तो ये तो S, इसको 2S मत करना, क्यों, क्योंकि NaCl हमारे पास कैसे ब्रेक होगा, Na+Cl- में 10⁻², है तो इससे कितना मिल जाएगा, 10⁻²। अगेन हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो KSP अभी भी वही रहेगा, डेट इज हाउ मच, 4 × 10⁻⁵, दिस शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 डेट इज S, Cl- डायरेक्ट यहाँ से पुट करना है, 10⁻², और इसका स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाता है, उस चीज़ को मत भूल जाना, पावर 2, राइट, ऑलवेज वीक वाले का हम लिखते हैं। तो यहाँ से S कितना जाएगा, ध्यान से देखो, 4 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय ये कितना जाएगा, 10⁻⁴, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 × 10⁻¹ⁱ, राइट। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी ये आ रहा है और यहाँ से सॉल्युबिलिटी ये आ रहा है, कौन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा है, इसलिए MgCl2 ज़्यादा सॉल्युबल है इन कंपेरिजन ऑफ AgCl। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा बेटा, बहुत इजी है और बहुत अच्छे कंसेप्ट हमने सिखाया है, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, जो कंसेप्ट बताया उसको फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। थैंक यू।